प्रिय साथियों, वापस प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे मिल रहा हूँ। यीशु राजा के नाम से प्यार भरी बधाई। यीशु मिलता है परिवार के सभी लोगों को याद करके परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूँ। प्रतिदिन आपसे मिलकर इस ऑनलाइन के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा परमेश्वर के वचन को आपसे बांटते वक्त क्या आप ही देखते हो? नहीं, आपके घर के सभी लोग देखते हैं, विश्वास करता हूँ। इसके अलावा आप दूसरों के साथ जो इसे शेयर करते हो, इसके कारण जो परमेश्वर का राज्य और विस्तार होता है। देखिए, आमेन। इस महिमाजनक सेवकाई में कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ आप भी खड़े होकर काम करते हो, इसलिए मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ। आपके सारे प्रयास बेकार नहीं जाएंगे। अपनी सेवकाई के अनुभव से मैं बताता हूँ, प्रभु में सदा साहस बांधो, परमेश्वर तुम्हारे साथ जो बात करता है उसे सुनिए। दूसरी इतिहास की पुस्तक 7वां अध्याय 1वां वचन। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा और बलियों को भस्म किया और प्रभु का तेज भवन में भर गया। मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चों, वचन कहता है परमेश्वर की महिमा भवन में भर गया। जब सुलेमान ने प्रार्थना किया, स्वर्ग से अग्नि अभिषेक भवन में भराया। आप सबको मालूम है कि भवन का मतलब आप और मैं है, मैंने पहले से आपको बताया है। पर एक बात आपको गौर करना चाहिए, जो भवन बनाना चाहता था वह सुलेमान का पिता और परमेश्वर के द्वारा उपयोग किया गया एक आशीष पाएवा पात्र दाऊद है। पर दाऊद को परमेश्वर ने उस काम को नहीं दिया, क्योंकि आप पहले इतिहास 22वां अध्याय और 8वें वचन को पढ़ोगे, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ वह वचन। परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा कि तूने लहू बहुत पाया है और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, तो तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा। दाऊद के दिनों में सिर्फ युद्ध युद्ध युद्ध, शांति ही नहीं था। पर सुलेमान बहुत ही शांति का पुरुष था। परमेश्वर ने कहा, तेरे काल में सुलेमान तू मेरे लिए भवन बनाएगा। पिता के काल में हम बना नहीं पाए, उसने चाहा पर नहीं बना पाए। तब एक पाठ मैं यहां से सिखाना चाहता हूं, आपकी शांति को बनाए रखें। शांति को जब आप कायम रखोगे, तभी जब आप प्रार्थना करोगे तो आपके घरों में परमेश्वर का समक उतरेगा। शांति को बिगाड़ने वाला शैतान बहुत रास्तों से अंदर आ सकता है। बहुत ही ध्यान से होना चाहिए, आत्मा में बहुत ही सेंसिटिव रहकर शांति को कायम रखें। इसीलिए हम प्रार्थना करें, शांति को देने वाला परमेश्वर उसे कायम रखने लायक पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। आइए प्रार्थना करें। पवित्र पिता परमेश्वर, शांति का दाता, शांति का प्रभु, हमारे प्रभु, जब हम शांति में रहेंगे और शांति भरे हृदय के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे, तेरी अग्नि नीचे उतर कर आएगी, ऐसी सच्चाई हम सीखे हैं। तेरे बच्चों के घरों में 24 घंटे, हे पिता, हफ्ते के 7ों दिन, महीने के 30ों दिन और साल के 365 दिन एक शांति बनी रहे, तेरे सम्मुख से भर कर संभालता रहे। इस प्रार्थना का जवाब देने वाले परमेश्वर की स्तुति हो, अनुग्रह संभालता रहे। तेरे बच्चे जिन जिन लोगों को इसे शेयर करें, उनके सभी घरों में परमेश्वर का दैविक शांति, शांति से भरकर अपने अभिषेक से उन्हें भरपूर कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। मेरे प्रिय लोगों, शांति का परमेश्वर आपके साथ होगा। दूसरों को इसे शेयर कीजिए और देखिए, परमेश्वर का राज आपके कारण बनने वाला है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की इच्छा हो, तो फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, हम भरोसा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को और सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थना और सलाह के लिए नीचे दिए गए इन फोन नंबरों पर संपर्क करें। 9841252836 7299546363। हमारा ईमेल ID gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।